सूरज में लगातार दो विस्फोट, ऑस्ट्रेलिया से चीन तक असर। सूरज में हो रही गतिविधियां अपने चरम तक पहुंच रही है। यह 11 साल का पीरियड है जिससे सूरज गुजर रहा है। दरअसल सूरज के नॉर्थ और साउथ पोल अपनी जगह बदलते हैं, जिसे दोबारा स्विच करने में 11 साल लगते हैं। इस अवधि के दौरान सूरज से फ्लेयर्स निकलते हैं जिसका असर पृथ्वी तक देखा जाता है। कुछ ही दिन पहले सूरज में बने एक सनस्पॉट एरिया AR3663 से दो विशाल और ज्वालाएं उभरी। उन्होंने पृथ्वी तक असर दिखाया। पहला सौर विस्फोट 2 मई को हुआ था। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन के तमाम हिस्सों में शॉर्टवेव रेडियो ब्लैक आउट हो गया। पहला फ्लेयर कुल मिलाकर लगभग 25 मिनट तक चला। वही दूसरी और ज्वाला 3 मई को भड़की, जो एम क्लास कैटेगरी का फ्लेयर था। क्योंकि विस्फोट के समय सनस्पॉट का फोकस पृथ्वी की ओर था, इस वजह से हमारे ग्रह पर शॉर्टवेव रेडियो ब्लैक आउट हुआ। जब सूरज की चुंबकीय ऊर्जा रिलीज होती है तो उससे निकलने वाली रोशनी और पार्टिकल से सौर फ्लेयर्स बनते हैं। सोलर फ्लेयर्स जियो मैग्नेटिक यानी भू चुंबकीय गड़बड़ी पैदा कर सकता है, जिससे सैटेलाइट्स में शॉर्ट सर्किट हो सकता है और पावर ग्रिड पर असर पड़ सकता है।